मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। मध्य प्रदेश में एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पार्टी के जवाब में इंडिया गठबंधन बना हुआ है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले पूरे विपक्ष मिल करके जोर आजमाइश कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को धक्का दे दिया है और कहा है कि यहां तुम्हारी जरूरत नहीं है, जब यूपी में जरूरत होगी तो देख लेंगे। ऐसे में अखिलेश यादव का गुस्सा सातवें आसमान पर दिख रहा है। तमतमाए अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर वॉर करते हुए कहा कि अगर मुझे पहले पता होता कि इंडिया गठबंधन केवल पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव में रोकने के लिए बना है तो मैं कभी भी मध्य प्रदेश में कदम नहीं रखता। इसी के साथ ही गुस्साए अखिलेश ने यह दावा कर दिया कि अब तो सपा चुनाव लड़ेगी। वही इससे पहले सपा ने कहा था कि कांग्रेस ने एमपी में 6 सीट देने पर मंजूरी दे दी है, लेकिन जब देने की बात आई तो एक भी सीट सपा को नहीं दिया गया। ऐसे में अखिलेश ने कहा है कि सपा जितनी भी सीटों पर हो सकेगा वो चुनाव लड़ेंगे। वही इसके ठीक बाद करीब 3 दर्जन सीटों पर सपा ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब ये तो बात हुई मध्य प्रदेश की, लेकिन अब दोनों पार्टियों की लड़ाई ने विकराल रूप ले लिया है। दरअसल सपा वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई उत्तर प्रदेश में भी देखनी शुरू हो गई है। पहले कमलनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के अरे छोड़ो यार अखिलेश वखिलेश कहा था, लेकिन उससे पहले ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने अखिलेश यादव को उनकी हैसियत दिखानी शुरू कर दी थी। उन्होंने कह दिया था कि समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है तो काहे का गठबंधन। ये बात अब सपा पार्टी के नेताओं को बुरी लग गई है। वही बुरी लगी तो लगी, लेकिन सपाइयों ने सीधे लखनऊ में ही पोस्टर लगा दिया कि 2024 में मोदी तो छोड़ो, राहुल गांधी क्या चीज है और काहे का गठबंधन, अखिलेश भैया बनेंगे प्रधानमंत्री। वही आपको बता दें कि ये पोस्टर अभी ही लगे थे कि राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने भी नहले पर दहला मार दिया। कांग्रेस ने एक तरफ से और तीखे पोस्टर लगा दिए। दरअसल कांग्रेस ने तो 2024 में राहुल गांधी के लिए पीएम पद का दावा तक कर दिया। इतना ही नहीं, 2027 में यूपी के मुख्यमंत्री पद पर भी दावा ठोका है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि आज से पहले ये दावे किए जा रहे थे कि दोनों पार्टी कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव में मोदी को हराने के लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन अब दोनों ही आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में क्या वाकई इंडिया गठबंधन एनडीए को हराने में कामयाब हो पाएगा, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट करें, साथ ही शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इन फ्यूचर हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल सके। धन्यवाद।